आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ विच इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द फ्रॉग स्टोरी, जिसमें मैंने दो मेंढकों के बारे में आपको बताया था, द टू फ्रॉग स्टोरी। आज की कहानी दो चूहों के बारे में है। वो कहानी हेटर्स को ना सुनने की कहानी थी और आज की स्टोरी फाइट की स्टोरी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फाइट करो, फाइट करते रहो। और आज की कहानी आपको बताएगी ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इस स्टोरी ने मेरी लाइफ में बहुत उजाला किया था एक टाइम पे, और आज भी करती है, और आज ये उजाला मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दिस वॉज अ स्टोरी विच आई हर्ड इन द मूवी कैच मी इफ यू कैन। डिकैप्रियो की मूवी है एंड ही इज वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स आफ्टर मैथ्यू मैकोनगे। ये कहानी कुछ ऐसी है कि दो चूहे एक बकेट में गिर जाते हैं, बकेट फुल ऑफ क्रीम, उसमें पूरी क्रीम होती है और उसमें निकलना बहुत ही मुश्किल है एक चूहे के लिए। तो उसमें जब दो चूहे गिरते हैं तो एक चूहा बहुत जल्दी गिव अप कर देता है। एक दो मिनट के बाद वो हाथ पैर चलाना बंद कर देता है और वो दुर्भाग्यशाली मर जाता है, डजंट सर्वाइव। दूसरा चूहा फाइट करता रहता है, वो अपने हाथ पैर इतनी तेज चलाता है कि वो उस क्रीम को बटर में चर्न कर देता है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप अच्छी तरीके से चर्न करते रहो, अगर आप चर्न करते रहो क्रीम को, तो वो बटर में तब्दील हो जाता है। एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ दैट माउस सेव्ड हिज लाइफ। इस कहानी से हमें समझ में आता है दैट वी हैव टू कीप फाइटिंग ऑलवेज परसिस्टेंटली नो मैटर व्हाट। और अगर आप ये करते रहोगे तो आपकी जीत शायद देर में आए बट वो निश्चित है, और ये एक ऐसी जीत होगी जिसके बारे में दुनिया बात करेगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप एक थम्स अप जरूर देना और डेफिनेटली आप इसको शेयर करें। थैंक यू।